तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। कथित तौर पर पत्नी के शोषण से पीड़ित पति लंबे समय के लिए जेल जाना चाहता था, लिहाजा उसने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी ताकि उसे पत्नी से छुटकारा मिल सके। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है बल्कि गुजरात के राजकोट में घटी सच्ची घटना है। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उस वक्त शख्स ने रविवार को राजकोट शहर में जामनगर रोड पर स्थित बजरंगवाड़ी में पुलिस आउटपोस्ट को आग के हवाले कर दिया और आग लगने के बाद भी पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ा रहा। गांधीग्राम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर खुमान सिंह वाला ने कहा, बजरंगवाड़ी में पुलिस पोस्ट को आग लगाने वाले शख्स का नाम देवजी उर्फ देव चावड़ा है। आर्थिक मुश्किलों और घरेलू मसलों को लेकर उसकी पत्नी के साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार टकराव और कहासुनी हो रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस से पूछताछ में देव चावड़ा ने बताया कि इन्हीं परेशानियों के चलते उसने पुलिस पोस्ट को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में गांधीग्राम पुलिस ने देवजी को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के आरोप में IPC की धारा 436 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में आरोपी देवजी ने बताया कि वह अपनी पत्नी से काफी तंग आ गया था और लंबे समय के लिए जेल जाना चाहता था, इसलिए उसने पुलिस पोस्ट को आग लगा दिया। बता दें कि IPC की धारा 436 के तहत व्यक्ति को 10 साल की जेल या जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि देवजी उर्फ देवो कितने समय तक जेल में रहता है।